नमस्कार दोस्तों, हवे आज आपणे जोईशुं काळ विशे। मित्रों, काळ जेने इंग्लिश में कहेवाय टेन्स। दोस्तों, काळ शुं बतावे तो के क्रिया कया समये थई छे। मुख्य त्रण काळ, भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्य काळ। भूतकाळ जेने इंग्लिश में कहेवाय पास्ट टेन्स, वर्तमान काळ जेने इंग्लिश में कहेवाय प्रेजेंट टेन्स, भविष्य काळ जेने इंग्लिश में कहेवाय फ्यूचर टेन्स। मित्रों, अंग्रेजी में दरेक काळना पाछळ चार प्रकार छे। सीम्पल एटले के सादो, कंटीन्युअस एटले के चालू, परफेक्ट एटले के पूर्ण, परफेक्ट कंटीन्युअस एटले के पूर्ण चालू। चार प्रकारना वर्तमान काळ, चार प्रकारना भूतकाळ, चार प्रकारना भविष्य काळ, एटले टोटल केटला काळ थया? 12। मित्रों, अंग्रेजी भाषा आवड़े, व्याकरण आवड़े, एमां काळ आवड़वा खूब जरूरी छे। तो मित्रों, आपणे आजे शरूआत करीए सादा वर्तमान काळ थी, जेने इंग्लिश में बोलाय द सीम्पल प्रेजेंट टेन्स। ओके मित्रों, चलो जो तो पहलू वाक्य, द सीम्पल प्रेजेंट टेन्स एने कहेवाय सादो वर्तमान काळ। मित्रों, आपणे ना अफिर्मेटिव सेंटेन्सीस एटले पहला हकार वाक्योनी वात करीए। दाखला तरीके, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ही प्लेज, प्लेज पर ध्यान राखजो मित्रों, क्रिकेट एवरी डे, ते दररोज क्रिकेट रमे छे। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ते दररोज क्रिकेट रमे छे। बीजो वाक्य छे, वी प्ले चेस, अमे शतरंज रमीए छे। मित्रों, अहीं पहला वाक्य में प्लेज छे, जो क्रियापद ने एस लागेलू छे। ज्यारे बीजा वाक्य में क्रियापद प्ले छे, पण एने एस लागेलू नथी। जरा ध्यान थी जोजो आ मित्रों। तीजो वाक्य छे, आई टीच इंग्लिश, हूँ अंग्रेजी सीखवु छु। अहीं जुओ तो मित्रों, टीच नीचे अंडरलाइन छे, आ क्रियापद छे, तमे जोई शको छो, एने एस के ईएस नथी लाग्यो। सी वॉशिज अवर क्लोथ्स, ते अमारा कपड़ा धुवे छे। मित्रों, अहींया ईएस लागेलू छे, टू वॉश एटले धोवू, क्रियापद ने शू लाग्यू छे? ईएस। तमे जोयू, कोईक जग्याए एस लाग्यू छे, कोईक जग्याए ईएस लाग्यू छे, क्रियापद ने तो कोईक जग्याए नथी लाग्यू। तो आवड़ी शू छे जोईए दोस्तों। मित्रों, उपरना वाक्य तपासवाथी जणाशे के वाक्यमाना रेखांकित क्रियापदो, रोजिंदी क्रियाओ, डेली नी थती क्रियाओ अने टेववश थती क्रियाओ दर्शावे छे। केवी क्रियाओ? रोजिंदी क्रियाओ अने टेववश थती क्रियाओ दर्शावे छे। आ क्रियापदो कया कारणना छे? सादा वर्तमान कारणना छे। टूंकमां, रोजिंदी કે ટેવશ થતી ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદો વર્તમાન કાળ વપરાય છે। ઓકે દોસ્તો, યાદ રહેશે શું? રોજિંદી કે ટેવશ થતી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે સાદો વર્તમાન કાળ વપરાય છે। મિત્રો, એની વાક્ય રચના શું આવે? યાદ રાખો, જો ક્રિયાનો કરનાર એટલે કે કરતા ત્રીજા પુરુષ એક વચનનો હોય, દાખલા તરીકે હી હોય, સી હોય કે ઈટ હોય, તો ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ લખવાનું? એસ કે ઈએસ લગાવેલું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લેવાનું, અને પછી શું લખવાના? બાકીના શબ્દો। દાખલા તરીકે, હી ત્રીજો પુરુષ એક વચન, ક્રિયાપદ પ્લે છે, ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, માટે ક્રિયાપદને શું લાગ્યો છે? એસ, ही प्लेज, વધારાના શબ્દ, બાકીના શબ્દ, ક્રિકેટ એવરી ડે, તે દરરોજ ક્રિકેટ રમે છે। ઓકે,
मित्रों बीजू नियम याद रखो, जो त्रीजा पुरुष एक वचन सीवाय नो करता हो, करता केवो हो, त्रीजा पुरुष एक वचन सीवाय नो एटले कौन हो, आई वी यू दे। ओके मित्रों, तो शु करवानु, तो क्रियापद नु मूल रूप एवं ने एवं राखवानु, तेने एस के ईएस लगाववानो नथी। तो वाक्य रचना शु थाय, त्रीजा पुरुष एक वचन सीवाय नो करता वत्ता क्रियापद नु मूल रूप वत्ता बाकी ना शब्दों। दाखला तरीके वी क्रियापद प्ले क्रिकेट एवरीडे, बोलो थई गयो। ओके मित्रों, आई टीच इंग्लिश, ओके इंग्लिश नहीं लख्यू पण तमे समझी सको छो। ठीक छे दोस्तों, आवडे नियम याद राखजो, उदाहरण एग्जाम्पल्स। चंद्रिका, चंद्रिका छोकरी नु नाम छे, तीजो पुरुष एक वचन लिव्स इन गोवा। दोस्तों चंद्रिका तीजो पुरुष एक वचन छे, माटे क्रियापद ने शू लाग्यू छे, एस। टू लीव एटले रहेवू, लीव्स एटले रहे छे, चंद्रिका गोवा मा रहे छे। बीजो वाक्य, द मून शाइन्स एट नाइट, शाइन एटले प्रकाश। द मून तीजो पुरुष एक वचन, माटे क्रियापद ने शू लागे, एस अथवा ईएस, अहीं शू लागेलू छे, एस। चंद्र राते प्रकाशे छे। द सन सूर्य सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम मां आथमे छे, सेट्स आथमे छे। क्रियापद ने शू लागेलू छे, एस। सी स्पीक्स फ्रेंच वेल, ते फ्रेंच सरस बोले छे। मित्रों सी तीजो पुरुष एक वचन, માટે ક્રિયાપદ ને શું લગાડેલું છે, એસ। બોલો દોસ્તો, છે અહીં બધે જ એસ અથવા ઈએસ લાગવાનું કારણ શું છે, ક્રિયાના કરનાર કરતા ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે। ઠીક છે દોસ્તો, મિત્રો પહેલું વાક્ય સ્થાયી નિવાસ સૂચવે છે, ચંદ્રિકા ક્યાં રહે છે, તો કે ગોવા। બીજું અને ત્રીજું વાક્ય શાશ્વત સત્ય, સનાતન સત્ય છે, ઓલવેઝ ટ્રુ। ओके मित्रों, चौथु वाक्य बोलनार नु भाषा पर नु प्रभुत्व दर्शावे छे। ठीक छे दोस्तों, आ रीते सादो वर्तमान काल, रोजिंदी क्रिया के टेव, शाश्वत सत्यो के गणित अने विज्ञान ना सिद्धांतो, कहेवतो वगैरे नो ते क्रियामानो स्थायी भाव रजू करे छे। दोस्तों याद रहेशे આ એનો ઉપયોગ છે। ઓકે મિત્રો, નીચે ટુ પ્લે ક્રિયાપદ ના વર્તમાન કાળમાં ત્રણે પુરુષ સાથે એક વચન અને બહુવચનમાં કેવી રીતે વપરાય તેનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, તેનો અભ્યાસ કરો અને તમે આવા વાક્ય બનાવી પણ શકો। જેમ કે પહેલો પુરુષ એક વચન, આઈ પ્લે હું રમું છું, વી પ્લે અમે રમીએ છીએ, બીજો પુરુષ એક વચન, યુ પ્લે તું રમે છે, બહુવચન યુ પ્લે તમે રમો છો, ત્રીજો પુરુષ એક વચન, હી સી ઈટ હોય તો શું લગાડવાનું, પ્લેજ, પ્લેજ હી સી અથવા ઈટ પ્લેજ તે રમે છે, એનું બહુવચન શું થાય, ધે પ્લે તેઓ રમે છે। દોસ્તો અ બોય પ્લેજ, ઉદાહરણ છોકરો રમે છે, બોયઝ પ્લે છોકરાઓ રમે છે, તમે જોઈ શકો છો ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં ક્રિયાપદને શું લગાડેલું છે, એસ। મિત્રો આજ રીતે તમે ટુ સિંગ એટલે ગાવું એના રૂપો બનાવજો। મિત્રો એની થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો, ટુ સિંગ SING સિંગ, તો રૂપ શું બને, આઈ સિંગ, વી સિંગ, યુ સિંગ, યુ સિંગ, હી સી ઇટ સિંગ્સ, ધે સિંગ। ઓકે દોસ્તો, આવડશે મિત્રો, આ નિયમો ખાસ યાદ રાખજો। મિત્રો દરેક વાક્યમાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાયું છે,
मात्र त्रीजा पुरुष एक वचन में क्रियापद ने एस प्रत्यय लागे छे। ठीक छे दोस्तों, त्रीजा पुरुष एक वचन में क्रियापद ना अंते शु होय डबल एस एस एच सी एच एक्स के ओ आवेला होय तो ई एस प्रत्यय लागे छे। दाखला तरीके पास तो शु थसे पासीस छे डबल एस, टीच सी एच तो शु थसे टीचीज, गो तो शु थसे गोज, डू तो शु थसे डच, वॉश तो शु थसे वॉसिस, फिक्स तो शु थसे फिक्सिस। ओके मित्रों, नियम खास याद रखो दोस्तों। एज रीते क्रियापद ना अंते व्यंजन प्लस वाय होय, लेके क्रियापद ना अंते वाय होय अने वाय नी आगळ शु होय व्यंजन आवेलो होय तो वाय ना स्थाने शु लखवानु आई ई एस प्रत्यय मूकवो। जेम के ट्राय जो तो छेले वाय छे एनी आगळ शु छे व्यंजन तो वाय नी जग्याए शु लखो आई ई एस ट्राय ट्राइज, क्राय रड़वू क्राइज, फ्लाय उड़वू फ्लाइज। बोलो मित्रों याद रहे से, जो छेले वाय वायनी आगर व्यंजन, वाय वायनी आगर व्यंजन, वाय वायनी आगर व्यंजन, पॉन क्रियापद ने अंते वाय हो अनेनी आगर सु हो स्वर तो वायनी साथे मात्र एस जोड़वो। जेम के प्ले प्लेज जोई लो वाय छे पण आगर स्वर छे व्यंजन नथी माटे ईएस नहीं आईईएस नहीं खाली शू लगाड़ो एस। बाय एटले खरीदवू छे मित्रों छेले वाय वाय नी आगर स्वर तो मात्र शू लगाड़ो एस। ओके दोस्तों आवडशे, चलो हवे आपणे एनी जोईए एक्सरसाइज। दोस्तों बहु अगत्यनी छे, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में सी आ खोटो छे मित्रों, हा BLANKS ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सीम्पल प्रेजेंट टेन्स। नीचे आपेला वाक्य में कौंस में आपेला क्रियापदों सादा वर्तमान कालना रूपों वड़े खाली जगह पूरो। ओके दोस्तों, कोना वड़े खाली जगह पूरो? सादा वर्तमान कालना रूपों वड़े। चलो दोस्तों एग्जाम्पल, दाखला तरीके मिसिस सेतल टीची छे, क्रियापद टीच आपेलू छे मिसिस सेतल, तीजो पुरुष एक वचन माटे क्रियापद ने शू लगाड्यू छे एस अथवा ईएस, छेले सीएच छे माटे ईएस। मिसिस सेतल टीचीज अस गुजराती, श्रीमती सेतल अमने गुजराती शीखवे छे भणावे छे। ओके, आई खाली जग्या फूटबॉल एवरीडे, कौंस में शू आप प्ले तो शू थाय मित्रों, शू थाय मित्रों आई प्ले फूटबॉल एवरीडे। पहलो पुरुष एक वचन माटे क्रियापद ने एस अथवा ईएस न लागे। ओके दोस्तों, चलो बीजो वाक्य उज्ज्वल खाली जग्या एन एप्पल एवरी डे, दोस्तों काउंस में ही पूछे ईट, ईट एटले खाओ। उज्ज्वल तीजो पुरुष एक वचन छोकरानो नाम छे। ओके दोस्तों, तो शू थसे ईट्स, उज्ज्वल ईट्स एन एप्पल एवरी डे। उज्ज्वल दररोज एक सफरजन खाई छे। ओके दोस्तों, एना पछी यू खाली जग्या मिल्क एवरी डे, यू दोस्तों त्रीजो पुरुष एक वचन नथी माटे क्रियापद एवू ने एवू, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तू दररोज दूध पीवे छे। ओके दोस्तों, द सन खाली जग्या ब्राइटली कौंस में आप्यू छे साइन प्रकाश, द सन तीजो पुरुष एक वचन माटे शू थसे
क्रियापद ने एस अथवा ईएस लागसे, ई शू लागसे एस, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य तेजस्वी प्रकाशे छे। ओके दोस्तों, हु खाली जगह भजन्स इन द टेम्पल, कंसमा ए पूछे सिंह। मित्रों ऐसु आवशे त्रीजा पुरुष एकवचन नो रूप, हु सिंग्स भजन्स इन द टेम्पल, मंदिर मा भजन कौन गाय छे। नंबर सिक्स, विवेक एंड सुजल, जो मित्रों बेजन था बहुवचन माटे क्रियापद ने एस अथवा यस न लागे, खाली जगह दे रूम। ओके दोस्तों, तो कौन सा शू आई पूछे क्लीन, तो क्लीन नु क्लीन आज रहे, शू थसे विवेक एंड सुजल क्लीन दे रूम, विवेक अने सुजल तेमनो ओरडो साफ राखे छे, साफ करे छे। चलो पायल खाली जग्या द क्लोथ्स, पायल छोकरी नु नाम छे, त्रीजो पुरुष एक वचन माटे क्रियापद ने शू लागसे एस अथवा ईएस, अई एस एच छे एटले ईएस, पायल वॉशिज द क्लोथ्स, पायल कपड़ा धोवे छे। ओके दोस्तों, किरीट भाई खाली जग्या टू ही शॉप इन द मॉर्निंग, किरीट भाई तीजो पुरुष एक वचन माटे क्रियापद ने शू लागसे एस अथवा ईएस, गोज, किरीट भाई गोज टू ही शॉप इन द मॉर्निंग, किरीट भाई सवारे दुकाने जाय छे। द काउ खाली जग्या अस मिल्क, द काउ तीजो पुरुष एक वचन, एक वचन गीव, एनु शू थई जाय गीव छे। ओके दोस्तों, चलो अ बर्ड एटले पक्षी, खाली जगह इन द स्काय, पक्षी खाली जगह इन द स्काय, कौंसमां आपुं छे फ्लाय, फ्लाय एटले उड़वू, पक्षी तीजो पुरुष एक वचन माटे फ्लाय नु शू थशे फ्लाइज। ओके दोस्तों, आवडशे छेने सहेलू, मित्रो आ कायम माटे काम लागशे। ओके, थैंक यू।